हेलो दिगड़ियो, फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। सबसे पहले मेरा आपको नमस्कार और फैलाग। तो दिगड़ियो, एक नए दिन की एक नई शुरुआत का मैं हूँ उत्तराखंड के सिंहवाड़ी दानिश पेता। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपको पहाड़ी ककड़ी के बारे में बताऊंगा कि ककड़ी कैसा होता है, कितना बड़ा होता है, कैसे लगता है, ककड़ी के बारे में सारी जानकारी दूंगा। तो बिना किसी देरी चलते सीधे ब्लॉग पर। तो दिगड़ियो, आपने खीरे तो बहुत देखे होंगे, लेकिन दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पहाड़ी ककड़ी के बारे में। जैसा कि दोस्तों अभी ब्लॉग में देख रहे होंगे आप, तो दिगड़ियो पहाड़ी ककड़ी पहाड़ी क्षेत्र में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय होता है। जैसा कि दोस्तों अभी ब्लॉग में देख रहे होंगे आप, दोस्तों ये कई सारे काम आता है पहाड़ी क्षेत्र में, और दोस्तों ये कई ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। जैसा कि दोस्तों अभी आप ब्लॉग में देख लोगे, तो दिगड़ियो ये उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में बेलूं पर लगता है। जैसा कि दोस्तों अभी आप ब्लॉग में देख लोगे, दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों लोकप्रिय है उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में। जैसा कि दोस्तों अभी ब्लॉग में देख रहे होंगे आप, और दिगड़ियो ये लगभग खीरे की तरह दिखता है दोस्तों। जैसा कि अभी ब्लॉग में देख रहे होंगे आप, ये खीरे से बहुत ही बड़ा होता है दोस्तों। और दगड़ियों इसको खीरे की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि दगड़ियों आप भी ब्लॉग में देख रहे होंगे आप इस टाइप से भी। लेकिन दोस्तों इसके स्लाइस बहुत बड़े बनते हैं, इतने छोटे नहीं बनते खीरे की तरह। दगड़ियों काटने के बाद कुछ इस टाइप से दिखता है, जैसा कि दोस्तों अभी ब्लॉग में देख रहे होंगे आप। इसके अंदर दोस्तों बड़े बड़े इसके बीज होते हैं, खीरे से कई बड़े होते हैं, जैसा कि दोस्तों अभी ब्लॉग में देख रहे होंगे आप। और दगड़ियों इसकी लंबाई की बात करें तो 15 से 30 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों अभी ब्लॉग में देख रहे होंगे आप। और दोस्तों इसको कुछ पहाड़ी अंदाज में खाया जाता है नमक के साथ इस टाइप से, जैसा कि अभी ब्लॉग में देख रहे होंगे आप। और दगड़ियों ये खाने में खीरे से कई गुना ज़्यादा अच्छा और टेस्टी होता है, जैसा कि ब्लॉग में देख रहे होंगे आप। और दोस्तों इसको पहाड़ी अंदाज में खाया जाता है, इसमें भांग और हरी धनिया का नमक लगा के, जैसा कि ब्लॉग में देख रहे होंगे आप। और दगड़ियों ये बेल में कई सारे लगते हैं एक बेल में, और दोस्तों इसकी बेल बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है। और दगड़ियों लोग इसको खाने के लिए दोस्तों अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जैसा कि अभी ब्लॉग में देख रहे होंगे आप। दोस्तों इसमें नमक डाल के दोस्तों आप सलाद के तौर पर इसको भी खा सकते हैं, जैसा कि दोस्तों अभी ब्लॉग में देख रहे होंगे आप। और दगड़ियों ये हरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, पीले होने के बाद दोस्तों इसका रायता बनाया जाता है, उतना टेस्टी नहीं रहता क्योंकि उसके बाद दोस्तों ये थोड़ा हार्ड हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब हरा होता है दोस्तों ये काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी अच्छा होता है, जैसा कि दोस्तों अभी ब्लॉग में देख रहे होंगे आप। पहले पीला फूल लगता है, फूल के बाद दोस्तों ककड़ी होती है। ककड़ी दोस्तों 15-20 दिन में तैयार हो जाती है, खाने लायक हो जाती है 15-20 दिनों में, जैसा कि दोस्तों अभी ब्लॉग में देख रहे होंगे आप। इसका रायता भी बहुत टेस्टी होता है, जैसा कि दोस्तों अभी ब्लॉग में देख रहे होंगे आप। दोस्तों बाद में दोस्तों ये पीले हो जाते हैं इस टाइप से, जैसा कि दोस्तों अभी ब्लॉग में देख रहे होंगे आप। और दोस्तों इस चीज़ का उसके बाद रायता बनाया जाता है, रायता भी दोस्तों इसका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है भांग डाल के। इसके अलावा दोस्तों इसकी सब्जी भी बनाई जाती है, जैसा कि दोस्तों अभी ब्लॉग में देख रहे होंगे आप। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना दोस्तों, और अपने छोटे भाई को सपोर्ट जरूर करना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।